मैं आपको दिखा देता हूँ कि Xiaomi Redmi Note 3 और Xiaomi Redmi 3S में क्या डिफरेंस है। दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन में इस साइड को पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा। ऊपर की साइड को भी देखा जाए तो थोड़ा सा माइक्रोफोन की यहाँ पर पोजीशनिंग में चेंज हो चुका है। इवन IR ब्लास्टर थोड़ा Xiaomi Redmi Note 3 में साइड में था, इसमें बिल्कुल सेंटर पर है। और इवन देख सकते हैं कि इस केस में उन्होंने 3.5 mm का हेडफोन सॉकेट साइड में दे दिया है। इस साइड दोस्तों दोनों के पास सिम ट्रे थी। और नीचे को देखा जाए तो Redmi Note 3 में जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट था साइड में था और माइक्रोफोन उसी के बगल में था, जबकि इसमें उल्टी डायरेक्शन में माइक्रोफोन है और जो यूएसबी पोर्ट है वो बिल्कुल सेंटर पर है। और पीछे की साइड की डिज़ाइन की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको आईफोन की तरह कैमरा लेआउट मिल जाएगी, बिल्कुल वही है, जबकि इसमें सेंटर पर है। और इवन देखा जाए जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है थोड़ा सा ऊपर को है इस रेडमी 3S में, और नीचे को देखा जाए तो लगभग एक जैसे ही दिख रहा है। और इसमें दोस्तों स्पीकर की जो ग्रिल आउट है वो मेटल फ्रेम के ऊपर है, जबकि इसमें आपकी प्लास्टिक में देखने को मिल जाएगी। आगे की साइड को देखा जाए तो दोनों में दोस्तों काफ़ी डिफरेंस मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर आपका Xiaomi Redmi Note 3 में रिसीवर स्पीकर के राइट हैंड साइड पर है, जबकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है। और यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा है उसकी लेआउट में भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, इसमें रिसीवर स्पीकर के जस्ट बगल में है और इसमें थोड़ा सा दूरी पर है। और बटन्स लेआउट की बात करें, कैपेसिटिव टच बटन्स की बात करें, दोस्तों दोनों में सेम ही बटन है। और लुक वाइज डिज़ाइन वाइज देखने में दोस्तों बिल्कुल दोनों फ़ोन एक दूसरे के जुड़वा भाई लग रहे हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों कह सकता हूँ कि Xiaomi Redmi Note 3 बड़ा नज़र आ रहा है और Xiaomi Redmi 3S उसका छोटा भाई नज़र आ रहा है। तो दोस्तों दिखने वाइज लुक वाइज अधिकतर दोनों फ़ोन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसे हैं दोस्तों। और इवन कह सकते हैं कि मैं पकड़ रहा हूँ तो दोस्तों दोनों में एक टाइप की ही फीलिंग आ रही है।